पटना प्रदेश भर के मरीजों के इलाज का मुख्य केंद्र है। राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए प्रतिदिन 10,000 से अधिक मरीज आते हैं। इसमें भी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मरीजों की सबसे अधिक भीड़ होती है। इन अस्पतालों में सामान्य से लेकर गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। इन अस्पतालों में वर्तमान में ओपीडी, इमरजेंसी एवं सुपर स्पेशलिस्ट की सुविधा मौजूद है। खासकर हार्ट, कैंसर, लिवर, न्यूरो एवं किडनी आदि के इलाज के लिए मरीज बड़े अस्पतालों में आते हैं। यहाँ पर खून पेशाब से लेकर एमआरआई तक की जांच की व्यवस्था है। पीएमसीएच राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, परंतु जिस तरह हॉस्पिटल में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है, ऐसे में अस्पताल का संसाधन काफी छोटा पड़ रहा है। पीएमसीएच की इमरजेंसी में वर्तमान में 100 बेड है, लेकिन यहाँ पर प्रतिदिन 400-500 मरीज बेहद गंभीर स्थिति में इलाज कराने आते हैं। उन मरीजों को तत्काल बेड मुहैया कराना अस्पताल प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। बेड के अभाव में कई मरीज जमीन पर इलाज कराने के लिए विवश होते हैं।